कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है और 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी लोगों को कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। जी हाँ, स्त्री रोग विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के अगले 2 महीनों तक महिलाएं गर्भ धारण न करें। ये सलाह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सलाह के बाद सामने आई है। दरअसल WHO की ओर से कहा गया है कि गर्भ धारण के वक्त कोरोना की वैक्सीन ना लगवाएं। सिर्फ वही लोग गर्भ धारण के समय कोरोना की वैक्सीन लगवाएं जिनकी कोरोना से हालत काफी ज्यादा खराब है। हालांकि WHO की ओर से यह नहीं कहा गया है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट जरूरी है, न ही यह कहा गया है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद गर्भ धारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह जरूर कहा गया है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद महिलाओं का स्तनपान कराना सुरक्षित नहीं हो सकता है। डॉक्टर सुमन सिंह का कहना है कि दंपति को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद 2 महीनों तक गर्भ धारण से बचना चाहिए। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी का कहना है कि वैक्सीन के बाद गर्भ धारण करना चाहिए या नहीं, इसकी सलाह अपने डॉक्टर से जरूर लेनी चाहिए। इन सब के बीच केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि गर्भवती और लैक्टेटिंग महिलाएं कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा नहीं थी और हमारी यह राय है कि गर्भवती महिलाओं को फिलहाल वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को लेकर कोरोना की वैक्सीन के पुख्ता प्रमाण नहीं है, लिहाजा सबसे सुरक्षित विकल्प यह है कि गर्भ धारण के समय तकरीबन 2 महीनों तक वैक्सीन लेने से बचा जाए, क्योंकि कुछ वैक्सीन में जीवित वायरस होते हैं जो फीटस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता दें कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन में मृत वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा ये व्यक्तिगत फैसला हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन लेनी है या नहीं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।